मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में अवध की होली का आगाज हो चुका है। राम की नगरी में अयोध्या का संत समाज रंग बिरंगा नजर आ रहा है। वहीं उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर मिल रहे हैं। अयोध्या के हर मठ मंदिर में भक्त और भगवान एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी से रंग भरी एकादशी के दिन नागा साधु अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद हर मठ मंदिर में हनुमान जी का निशान लेकर होली का निमंत्रण देते हैं, होली खेलते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के मुताबिक ये परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, नागा साधु ने भगवान राम की नगरी अयोध्या को रंग भरी एकादशी के दिन रंग बिरंगी अयोध्या कर दिया है। पूरे देश को शुभकामना बधाई। आज रंग भरी एकादशी है, आज हनुमान जी महाराज के निशान के साथ में हम लोग निकले हुए हैं हनुमानगढ़ी के नागा साधु। प्राचीनतम ये व्यवस्था है, कई सौ वर्ष से यह परंपरा चलती चली आ रही है। बसंत पंचमी से ही हम लोग की होली शुरू हो जाती है, लेकिन आज एकादशी है। एकादशी के दिन हनुमान जी महाराज का विधिवत पूजन आरती करने के बाद हम लोग निकलते हैं, विभिन्न मंदिरों में आए हुए हैं। पूजन होते हुए हम लोग यहाँ से पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करते हुए हम लोग फिर सरयू स्नान करा के हनुमान जी महाराज को पुनः स्थापित हम लोग। नहीं, अयोध्या में तो फिलहाल ये हमारी परंपरा आज से नहीं, प्राचीन परंपरा है, लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है और भी आनंददायक है। मस्त होली है, जबरदस्त होली है, बुरा न मानो, होली है। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, हम एक साथ है, एक भाव से, समरसता से एक साथ जुड़कर, चाहे हिंदू का त्योहार हो या मुसलमान का, सब एक साथ मनाएं। ये जो आज से होली शुरू हुई है वह समरसता की होली है, सद्भावना की होली है और दुनिया को ये दिखाने के लिए है। सभी लोग मिलकर के, गले में मिलके और ये सौहार्द की होली खेले हैं और सारे संसार को हम ये संदेश देते हैं कि इसी प्रकार से सौहार्द पूर्वक सभी लोग होली खेलें। मन मुटाव किसी प्रकार की न रहे, हृदय जैसे रंग में रंग मिल जाता है वैसे हृदय में हृदय मिल करके और होली खेला जाए। और यह संदेश हमने सारे संसार को दिया है कि सभी लोग इसी प्रकार की होली खेलें। जबकि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, श्री राम जन्मभूमि का मुख्य पुजारी और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बाबुल खान, सब लोग मिलकर सौहार्द की होली मना रहे हैं। होली का त्यौहार जो है, ये होली मिलन का त्यौहार जो है, ये सबके लिए है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, हम लोग त्यौहार को त्यौहार के तरीके मनाते हैं। आज अयोध्या में हिंदू और मुसलमानों का एक सौहार्द है तो ये होली मनाई गई और ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं कि हम लोग होली खेलते हैं और लोगों को एक संदेश भी देते हैं कि त्यौहार में जो है खुश रहना चाहिए और त्यौहारों में मिठाई खानी चाहिए और हिंदू और मुसलमानों को जो है मिला करके और सब लोग मिल करके मिठाई खाएं और खुशियां बांटें। बता दें कि होली महापर्व के 5 दिन पहले पड़ने वाली रंग भरी एकादशी के दिन से अयोध्या में अवध की होली का शुभारंभ हो जाता है। गंगा जमुना तहजीब की नगरी अयोध्या में सौहार्द की होली खेली जा रही है। उत्साहित हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग फूल, अबीर और गुलाल की होली खेल रहे हैं। साधु संत हो या मंदिर मस्जिद के पक्षकार, सभी एक दूसरे पर फूल और गुलाल उड़ाते नजर आए।